हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केस लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कंपनी लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट फिफ्थ। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट फोर तक अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का फिक्शन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए बकले, ऑप्शन बी सेवेग्नी, ऑप्शन सी पोलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेवेग्नी। क्वेश्चन नंबर 116। एक शमनुसंघी कंपनी अपनी नियंत्रणी कंपनी के शेयर धारण नहीं कर सकती, यह प्रभाव किस धारा में निहित है? ऑप्शन ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 19। क्वेश्चन नंबर 117। कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कहाँ अपील करेगा? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 118। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 135, ऑप्शन बी धारा 132, ऑप्शन सी धारा 114, ऑप्शन डी धारा 140। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 132। क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से किस कंपनी को अपने अंतर्नियमों की रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है? ऑप्शन ए असीमित कंपनी, ऑप्शन बी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, ऑप्शन सी अंश सीमित प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पब्लिक कंपनी गठित करने के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 121। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी सात, ऑप्शन डी नौ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दो। क्वेश्चन नंबर 122। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस जारी करने की शक्ति कंपनी अधिनियम 2013 में किसे दी गई है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी वित्तीय संस्थाएं, ऑप्शन सी सार्वजनिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वित्तीय संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 123। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नया सिद्धांत वर्ग कार्यवाही किस धारा में प्रावधानित है? ऑप्शन ए धारा 217, ऑप्शन बी धारा 235, ऑप्शन सी धारा 245, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 245। क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एक कंपनी व्यक्तिगत कंपनी है, ऑप्शन बी एक व्यक्ति कंपनी एक सरकारी कंपनी है, ऑप्शन सी एक व्यक्ति कंपनी एक विदेशी कंपनी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक व्यक्ति कंपनी व्यक्तिगत कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 125। एक व्यक्ति कंपनी से अभिप्रेत है ऑप्शन ए ऐसी कंपनी जिसमें मात्र एक शेयर धारक है, ऑप्शन बी ऐसी कंपनी जिसमें मात्र एक व्यक्ति ही सदस्य है, ऑप्शन सी ऐसी कंपनी जिसमें मात्र एक कार्यकारी सदस्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऐसी कंपनी जिसमें मात्र एक व्यक्ति ही सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 126। ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के नियमों के अंतर्गत होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सांविधिक कंपनी,
ऑप्शन बी पंजीकृत कंपनी, ऑप्शन सी सरकारी कंपनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजीकृत कंपनी। क्वेश्चन नंबर 127, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 31, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 33, ऑप्शन डी धारा 34। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 31, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है धारा 32। क्वेश्चन नंबर 128, किसका कथन है कि एक कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जो कि समान उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं? ऑप्शन ए जस्टिस जेम्स, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस मार्शल, ऑप्शन सी जस्टिस हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी ऑप्शन डी सेविग्नी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जस्टिस जेम्स। क्वेश्चन नंबर 129, एक लोक कंपनी विधिपूर्ण उद्देश्यों के लिए निर्मित की जा सकती है कम से कम? ऑप्शन ए 7 या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन बी 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन सी 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन डी 100 व्यक्तियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 या अधिक व्यक्तियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130, कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए सभी प्रकार की कंपनियों के लिए एक समान वित्तीय वर्ष विहित किया गया है जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा। ऑप्शन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 131, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 272 के अंतर्गत कौन लोग कंपनी के परिसमापन के लिए कंपनी अधिकरण को आवेदन दे सकते हैं? ऑप्शन ए कंपनी स्वयं, ऑप्शन बी कंपनी रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी अंशदायी सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 200। क्वेश्चन नंबर 133, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी की मिनट बुक से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 115, ऑप्शन बी धारा 118(2), ऑप्शन सी धारा 120(b), ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 118(2). क्वेश्चन नंबर 134, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी की लेखा पुस्तकों से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 213 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 215, ऑप्शन सी धारा 220, ऑप्शन डी धारा 230। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 213। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा कथन धारक कंपनी के लिए सत्य है? ऑप्शन ए धारक कंपनी किसी अन्य कंपनी पर नियंत्रण रखती है, ऑप्शन बी ऐसी कंपनी जिस पर किसी अन्य कंपनी का नियंत्रण होता है उसे समानुषंगी कंपनी कहते हैं, ऑप्शन सी धारक कंपनी द्वारा अपनी समानुषंगी कंपनी के निदेशक मंडल के गठन पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 136, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 31, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 33, ऑप्शन बी डी धारा 35। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 31। क्वेश्चन नंबर 137, कंपनी अधिनियम 2013 के
अंतर्गत निम्न में से किसको कंपनी की लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए निदेशकों को, ऑप्शन बी कंपनी के अंशधारियों को, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन डी कंपनी रजिस्ट्रार को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार को। क्वेश्चन नंबर 138। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में शब्द प्रभार को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 215 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 213 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 216 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 218 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 216 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 139। यदि किसी कंपनी का कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों के अंतर्गत निगमन हो जाता है तो वो कंपनी बन सकती है? ऑप्शन ए एक विधिक कंपनी, ऑप्शन बी एक प्राकृतिक कंपनी, एक प्राकृतिक व्यक्ति, ऑप्शन सी एक सामान्य व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक विधिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 140। कंपनी द्वारा लिए गए अल्पावधि का ऋण से तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक वर्ष के लिए लिया गया ऋण, ऑप्शन बी दो वर्ष के लिए लिया गया ऋण, ऑप्शन सी तीन वर्ष के लिए लिया गया ऋण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक वर्ष के लिए लिया गया ऋण। क्वेश्चन नंबर 141। कंपनी के प्रति अधिकारातीत ऋण से तात्पर्य है? ऑप्शन ए कंपनी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर लिए गए ऋण, ऑप्शन बी ऐसे ऋण जो कंपनी के सीमा नियम में उल्लिखित हैं, ऑप्शन सी ऐसे ऋण जो कंपनी के अंतर्नियम में उल्लिखित हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंपनी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर लिए गए ऋण। क्वेश्चन नंबर 142। कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा कंपनी की असाधारण सभा बुलाए जाने से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 99, ऑप्शन बी धारा 100, ऑप्शन सी धारा 101, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 100। क्वेश्चन नंबर 143। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी की असाधारण सामान्य सभा को बुलाए जाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सीमा नियम अथवा अंतर नियमों में परिवर्तन हेतु, ऑप्शन बी अंश पूंजी में परिवर्तन हेतु, ऑप्शन सी कंपनी के विलयन का एकीकरण के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 144। किसी कंपनी को जो अपनी कंपनी के किसी संपत्ति पर प्रभार स्थापित करती है कितने समय के अंदर रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर करवाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 145। मीटिंग बुलाने के लिए कौन प्राधिकृत है? ऑप्शन ए निदेशक मंडल, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। तो अब तक हमने कंपनी लॉ के टोटल 145 को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।